दो दिन पहले बंगाल में बीजेपी का एक रोड शो होता है, उसमें हिंसा होती है और एक कॉलेज में ईश्वर चंद्र विद्या सागर जी की मूर्ति खंडित मिलती है। ये हरकत किसने करी, भाजपा ने करी या टीएमसी ने करी, अभी साक्ष्य के साथ ये सिद्ध नहीं है। मगर इसके बाद ही सोशल मीडिया पे एक ये धारणा बनी कि बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व का और हिंदुत्व बंगाल में एक मिसफिट है, ये फिट नहीं बैठते उस राज्य में, उसके कल्चर में। इसी में एक ये भी विचार निहित था जो कि कुछ ने खुल के व्यक्त करा कि हिंदुत्व जैसी ओछी और निचली सोच से बंगाल बहुत परे है। पूछो तो जाने, इसमें आपका स्वागत है। और आज का प्रश्न ये है कि बंगाल और हिंदुत्व में क्या कोई संबंध है, और अगर है तो वो क्या है। हिंदुत्व की नींव में जो एक विचार है वो ये है कि सही मायने में भारतीय राष्ट्रवाद का ही एक और नाम हिंदुत्व है। अब मैं आपके लिए एक बहुत ही लोकप्रिय बंगाली लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी, उनकी एक बहुत ही फेमस स्पीच का एक अंश जो मैंने याद करा है, उसका मैं हिंदी में तर्जुमा करके आपके लिए पढ़ता हूँ, और इससे ही आप जानिएगा कि हिंदुत्व और बंगाल में क्या लिंक है। 30 मई 1908 को उत्तर पारा में ये भाषण दिया गया था, जिसका ये अंश है। मैं अब और ये नहीं कहता कि राष्ट्रवाद एक सोच है या एक पंथ है, मैं अब ये कहता हूँ कि सनातन धर्म ही हमारे लिए अब राष्ट्रवाद है। इस हिंदू राष्ट्र का जन्म इस धर्म के साथ हुआ, उसके साथ ही इसने गति पाई और उसके साथ ही ये बढ़ता है, अनकोट। ये भाषण बहुत ही लोकप्रिय भाषण दिया था उत्तर पारा में 1908 में औरबिंदो ने। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और अगर आपके पास मेरे लिए प्रश्न हो तो आप उन्हें छोड़ दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आपसे फिर भेंट होगी बहुत जल्द।